हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ दून वैली फूड। और इसी के साथ आप सबको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज न्यू ईयर है ही, तो इस दिन की शुरुआत कुछ मीठे के साथ होनी चाहिए। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू ईयर स्पेशल गाजर का हलवा। वैसे तो गाजर का हलवा हम सब बनाते ही हैं, बट फिर भी कुछ लोग एकदम परफेक्ट हलवा नहीं बना पाते हैं जैसे कि हलवाई बनाते हैं। चलिए आज मैं आप सबको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हलवा बनाना बताती हूँ। और इससे पहले, आप अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सबसे पहले हमें यहाँ 1.5 किलो कैरेट लेनी है। यहाँ रेड कलर की, एकदम रेड कलर की कैरेट होनी चाहिए, और उसे हमें पील कर लेना है। और इसकी टॉप को और रूट को हमें कट कर लेना है। देखिए, यहाँ मैंने इसकी टॉप और रूट को कट कर लिया है। और फिर मैं यहाँ पर बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। हमें बड़े वाले ग्रेटर से वो जो दरदरापन होता है गाजर के हलवे में, हलवाई का, वो नहीं आ पाएगा। 12 to 15 यहाँ पर कैशू एंड आलमंड जाएंगे, और बारीक ग्रेट किया हुआ यहाँ पर जाएगा कोकोनट और मावा, हमें 250 ग्राम। और यहाँ पर वाइट इलायची ली है हमने, ड्राई रोस्ट कर लूँगी इसे। ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट करना है। फिर इसे हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद हमें कैशू एंड आलमंड को यहाँ पर 2 स्पून मैंने देसी घी लिया है, उसमें उसे फ्राई करना है। फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, ये भी हल्के हल्के गोल्डन हो जाएंगे, जा देखिए यहाँ पर हो गए हैं, ये लाइट गोल्डन हो गए हैं, निकाल लिया है मैंने। अब इसी घी में हमें अपनी गाजर को डाल देना है। फिर गाजर को भी अच्छे से फ्राई करने देना है। ये 2 स्पून बड़ी स्पून घी था, देसी घी। फिर हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है। हमें कम से कम ये जो गाजर है ना, 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करनी है। ये गाजर थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसे मैं थोड़े थोड़े करके इन्हें ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। देखिए, थोड़े थोड़े करके ऐड कर। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम अपनी गाजर को अच्छे से फ्राई करना होता है। घी में जब अच्छे से फ्राई होंगी तो ये इस में गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसीलिए हलवाई भी सबसे पहले यही काम करते हैं, घी में उसे अच्छे से फ्राई करते हैं। देखिए, धीरे धीरे करके मैं अपनी सारी गाजर ऐड कर लूँगी। यहाँ पर ये गाजर मेरी ऑलमोस्ट ऐड हो चुकी हैं, और ये सारी गाजर को फ्राई करना है, ऐसे भूनना है हमें चलाते हुए। और हमें इसे मीडियम हाई फ्लेम पे ही ऐसे ही भुनना है। देखिए, अब यहाँ पर मुझे लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और ये गाजर सॉफ्ट हो चुकी हैं और इन्होंने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, अब इस पॉइंट पर हमें शुगर को ऐड करना है। 1.5 किलो गाजर में यहाँ मैंने 1 कप शुगर का यूज़ किया है, और 1 कप शुगर इनफ है इस 1.5 किलो गाजर के लिए। अगर आप जब बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं तो आप इससे भी ज़्यादा, थोड़ी और ज़्यादा डाल सकते हैं, बट ये 1 कप शुगर इनफ है 1.5 किलो गाजर में। देखिए, अब यहाँ मैं इसे ठीक से चला दूँगी। जब ये अच्छे से इसमें शुगर मिलने लग जाएगी, तो उसके बाद हमें यहाँ पर 1/2 kg मिल्क ऐड करना है। यहाँ पर मैं 1/2 kg मिल्क ले रही हूँ, और ये मैंने यहाँ पर सारा डाल दिया है। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। और यहाँ जो मैंने मिल्क का यूज़ किया है, ये फुल मिल्क क्रीमी मिल्क है। देखिए, यहाँ अच्छे से स्टर कर लिया है मैंने। अब यहाँ मैं कवर करके इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी। 10 मिनट आफ्टर मैंने यहाँ देखा था ओपन करके,
तो देखिए ये थोड़ा सा मिल्क कम हुआ है और अब हम इसे ओपन करके ही इसको स्टॉप। देखिए अब हमारी गाजर ड्राई होती जा रही हैं। अब इस पॉइंट पर हमें अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं घी लूँगी, थोड़ा मुझे घी ऊपर से डालना था तो 2 स्पून मैंने इसमें घी डाला है। अब ये मैंने इलायची पाउडर लिया है, उसको ऐड कर दूँगी। अगर इलायची पाउडर पहले डाल देते हैं तो उसका पूरा फ्लेवर निकल जाता है। अब कोकोनट पाउडर ऐड कर दूँगी और फिर इसे चला लेंगे अच्छे से। देखिए ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया था छोटा छोटा, अब इसको भी अच्छे से स्टर कर लेना है। देखिए अब इसमें ये मावा ऐड करने जा रही हूँ। ये मावे में थोड़ा सा मॉइस्चर है। अब ये मेरी जो गाजर थी तो अच्छे से ड्राई हो चुकी थी, बट अब ये डालूँगी तो ये थोड़ा सा फिर से मॉइस्चर ले लेगी, तो इसको हमें ड्राई होने तक फिर से अच्छे से स्टर करना है गाजर को। अभी मैंने 250 ग्राम में से हाफ मावा यूज़ किया है और हाफ मावा मैं बाद में यूज़ करूँगी, और इसको अच्छे से स्टर कर लेना है जब तक ये फिर से ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर देखिए अब मेरा ये हलवा फिर से अच्छे से ड्राई हो गया है। थोड़ी देर हो गई थी मुझको स्टर करते हुए इसको, और अब ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए अब इसका टेक्सचर बहुत परफेक्ट आया है। अब इस टाइम पे जो मेरा बचा हुआ मावा था वो मैं फिर से ऐड करूँगी, और अब ये मेरा हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा सा फिर इसे स्टर करके हमें सर्विंग बोल में सर्व कर लेना है। आप सब भी इसे ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो और रेसिपी प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ दून वैली फूड। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू रेसिपी। टिल देन बाय बाय।